या सॉरी, रियली सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आप लोगों को पता है, जैसा कि अभी सिस्टम इतना डेवलप नहीं है अपना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप लोगों ने देर वेट किया। चलो अपन स्टार्ट करते हैं ना। अपन विचारकों के बारे में देखना है, अपने को थिंकर्स के बारे में देखना है। प्लेटो और अरस्तु की चर्चा अपन कल ही कर चुके थे, तो इनके बारे में तो अपन कुछ देखेंगे नहीं। अन्य जो थिंकर्स हैं उनके बारे में अपन कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जॉन रोल्स के न्याय के बारे में देखते हैं सबसे पहले। शायद अजय गया मैसेज करते करते। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों तक, बस इतना सा बता दीजिए मुझे। जॉन रॉल्स के न्याय के बारे में देखते हैं। जॉन रॉल्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे ये ध्यान रखना है। ये दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, फिलोसॉफी के प्रोफेसर थे, ना कि पॉलिटिकल साइंस के। इन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया। जैसे कि अपन जानते हैं न्याय के सिद्धांत में यह है कि एक पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उसको आगे लाने का प्रयास है न्याय। तो एक वर्ग था यहाँ पर, नस्लीय भेदभाव चल रहा था, ऐसा माना जा रहा था काले लोगों के साथ में भेदभाव हो रहा था। तो इस कारण से यहाँ पर यूएसए में ब्लैक पैंथर्स करके आंदोलन चल रहा था। ब्लैक पैंथर्स, और ये आंदोलन कब चल रहा था, जब जॉन रोल्स की बुक आती है ए थियरी ऑफ जस्टिस, जिसका सन आपको बहुत अच्छे से याद है। ये 1970s के आसपास की बात है। उस समय यहाँ पर ब्लैक पैंथर्स, काले लोगों का संघर्ष चल रहा था गोरे लोगों के विरुद्ध, जैसा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में भी अपन लोगों ने देखा। तो ऐसा एक संघर्ष इस समय चल रहा है। तो बड़ा क्षुब्ध है जॉन रोल्स, और जॉन रोल्स को लगता है कि मजबूत है यूएसए मजबूत है, लोहे की जंजीर की तरह मजबूत है। लेकिन लोहे की जंजीर कितनी मजबूत होती है, जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। कोई जंजीर है, बंधी हुई है, एक चेन में है वो, लेकिन वो कितनी मजबूत है। एक कड़ी उसकी इतनी वीक है कि वो टूट गई तो पूरी जंजीर टूट गई, बिखर जाएगी। तो जॉन रोल्स का मानना था कि ये जो ब्लैक पैंथर्स हैं, ब्लैक लोग हैं, इनको ऐसे अधिकार दिए जाएं कि जंजीर मजबूती बनी रहे। तो किस तरीके से दिए जाएं, ये वो अपने न्याय सिद्धांत में बताता है। ये जो ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट चलता है, ये वहाँ पर मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में चलता है। मार्टिन लूथर किंग, और कौन सा मार्टिन लूथर है, ये द्वितीय। पहला मार्टिन लूथर कौन है, इतिहास में प्रबोधन काल हुआ एक एनलाइटमेंट, प्रबोधन काल का जनक माना जाता है मार्टिन लूथर को, और ये मार्टिन लूथर सेकंड है मार्टिन लूथर किंग। एक और जॉन रोल्स के बारे में है कि इस न्याय के सिद्धांत के ऊपर वो जो बुक लिखता है, ये बुक आप सभी भलीभांति जानते हैं, ए थियरी ऑफ जस्टिस। इसने तहलका मचा दिया था राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में। उसका एक कारण ये भी था कि 1945 से लेकर के 1970 तक का जो काल था, इसे राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का काल कहा जाता है। इसमें कोई नए राजनीतिक सिद्धांत नहीं आए थे, लेकिन
1971 में जब ये बुक आती है तब लगता है कि नया सिद्धांत आ गया है और राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान का, वापस सिद्धांत लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो जॉन रोल्स को दिया जाता है और जॉन रोल्स को राजनीतिक सिद्धांतों में पुनरुत्थान का जनक कहा जाता है। एक और इसकी बुक है द लॉ ऑफ पीपल। द लॉ ऑफ पीपल जो बुक है जॉन रोल्स की, इसमें वो वैश्विक न्याय के बारे में बताता है, वैश्विक न्याय, ठीक है, जिससे जुड़े अन्य विचारक थॉमस पोगे हैं, मार्था नुस्बम है, एक और प्रश्न यहाँ पे जॉन रोल्स से आता है कि न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत किसने दिया, न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो अपन बिना इस ऑप्शन पूरे लाइन को पढ़े अपन अपना आंसर जॉन रो क्या बोलते हैं हॉब्स, लोक, रूसो ये करके आ जाते हैं। इस पूरे सेंटेंस को आप पढ़िए, ये राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत नहीं है, ये न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत है और न्याय का सामाजिक समझौता सिद्धांत देने का श्रेय जॉन रोल्स को जाता है, ठीक है। इस सिद्धांत को समझने के लिए दो टर्मिनोलॉजीज अपने को समझनी पड़ेगी, एक तो है अज्ञान का पर्दा और दूसरा है मूल स्थिति। इन दो शब्दावलियों को समझना बड़ा जरूरी अपने लिए। अज्ञान का जो पर्दा है इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर ये मान करके चलेगा कि वो अज्ञानी है। किसके प्रति अज्ञानी है, ये शब्दावली अपन ने पढ़ी थी, कल भी पढ़ी थी, इसको समानता में भी पढ़ा है। प्राथमिक सामाजिक समझौता, प्राथमिक सामाजिक संसाधन, जो प्राथमिक सामाजिक संसाधन है इनके प्रति प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी है। कैसे? प्राथमिक सामाजिक संसाधन है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये प्राथमिक सामाजिक संसाधन है, पद, प्रतिष्ठा, गरिमा। तो प्रत्येक व्यक्ति इनके प्रति अज्ञानी है। यदि वो पद में बड़ा है, मान लीजिए किसी के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है या कोई पद में बहुत ज़्यादा बड़ा है, कोई राजा है, शासक है, उसको ज़्यादा सम्मान है, या जैसे भारत में उच्च जातियाँ थी उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, तो वो व्यक्ति भी ये मान करके चलेगा कि मैं भी उस अंतिम व्यक्ति के समान ही हूँ, मुझे कोई विशेष अधिकार नहीं है, ऐसा वो मान लेगा खुद से, ठीक है। अब खुद से क्यों मानेगा, तो जॉन रोल्स यहाँ पर कांट की एक बात को बोलता है। कांट ये बोलता है कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, व्यक्ति स्वयं साध्य है, प्रत्येक व्यक्ति में, जो अपन बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास बात होती है, उसमें वो प्रकृति का सबसे अमूल्य धरोहर है प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में। तो कांट भी ये कहता है कि व्यक्ति स्वयं साध्य है, व्यक्ति में विवेक है, वो सोच सकता है, समझ सकता है, यानी वो जानता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसी बातें जब व्यक्ति करता है, व्यक्ति स्वयं में साध्य है, तो कांट ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, इसलिए किसी के पास में ज़्यादा प्रतिष्ठा है तो वो उसका पुनर्वितरण करेगा। तो कब करेगा, जब वो अज्ञानी बन जाएगा, क्योंकि यदि वो ज्ञान रखेगा अपने पास में, नॉलेज रखेगा कि मैं तो समाज में उच्च वर्ग का हूँ, मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, तो फिर न्याय स्थापित नहीं हो सकता है, ऐसा मान रहा है जॉन रोल्स का। तो एक तो अज्ञान का पर्दा किससे लेता है, कांट की इस थ्योरी से, व्यक्ति स्वयं साध्य है तो कांट को फॉलो करता है। दूसरा वो फॉलो करता है लोक को। लोक सामाजिक समझौते सिद्धांत में
जो प्राकृतिक अवस्था जिसे बोलता है वो प्राकृतिक अवस्था को ही जॉन रोल्स मूल स्थिति बोलता है, ठीक है, इसे ही जॉन रोल्स मूल स्थिति बोलता है। क्या मतलब है इसका कि प्राकृतिक स्थिति जब राज्य नहीं बनाए, अब इसने होब्स, लोग, रूसो तीनों ही सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात करते हैं, तीनों ही प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताते हैं, लेकिन लोग को ही क्यों लिया? क्योंकि होब्स का जो समाज है उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो दुर्गुणी है, ऐसा होब्स कहता है। लोग का मानना है कि ये लोग कैसे लोग हैं, सद्गुणी हैं, और दुर्गुणी लोग कभी भी अपना हक दूसरे को नहीं देंगे, संसाधनों का पुनर्वितरण नहीं करेंगे, लेकिन सद्गुणी लोग अज्ञान का पर्दा मानने के लिए राजी हो जाएंगे। इसलिए अज्ञान के पर्दे की अवधारणा ये सद्गुणी लोग ही दे सकते हैं, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अच्छे से एक बार मेरे को बता दो, मैं बड़े ही धीरे धीरे और प्यार प्रेम से समझा रहा हूँ आप लोगों को, और आराम से समझने वाली चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप एक एक चीज़ को ग्रहण करते जाओ, आपको आराम से समझ में आएगी। दो शब्दावली मैंने समझाई है, एक तो मैंने बोला है अज्ञान का पर्दा क्या होता है, और दूसरा है मूल स्थिति। अज्ञान का पर्दा में वो कांट की थ्योरी से समझाने का प्रयास करता है, और जो मूल स्थिति है ये प्राकृतिक अवस्था के रूप में समझाने का प्रयास किया है जॉन रोल्स ने। ये दो बातें अपनी क्लियर है। जॉन रोल्स की एक और कोटेशन है, एक तो अपन ने पढ़ा था कि सद्गुण ही न्याय है, ऐसा मानते हैं यूनानी सुकरात कि सद्गुण ही न्याय है, न्याय ही सद्गुण है। प्रथम सद्गुण न्याय है, प्रथम सद्गुण न्याय है, ऐसा जो मानने वाले हैं, प्रथम सद्गुण न्याय है, ऐसा मानने वाले जो विचारक हैं यह है जॉन रोल्स। इनका मानना है कि पहला सद्गुणी न्याय है, और न्याय को स्थापित करने के लिए आपको ज्ञान का पर्दा को मानना पड़ेगा, आपको मूल स्थिति को मानना पड़ेगा। तो दो लोगों को तो वो फॉलो करता है, कांट को और जॉन लॉक को। आलोचना किसकी करता है? तो बेंथम का ये आलोचक है, क्योंकि बेंथम ये कहता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। लेकिन जॉन रोल्स कहता है नहीं, अधिकतम व्यक्तियों का कल्याण हो ये क्या बात हुई, सबका कल्याण होना चाहिए। तो सबके कल्याण की बात करने वाला व्यक्ति है जॉन रोल्स। तो बेंथम की आलोचना करता है। एक और इसकी शब्दावलियां हैं, बस ये शब्दावली पूछे जाएंगे, ठीक है ना? तो ये अपने को पकड़ के रखनी है। एक ये बोलता है समाज कोऑपरेटिव वेंचर है, कोऑपरेटिव वेंचर है, सहयोगात्मक चेष्टा है समाज में, एक दूसरे का भला करते करने की चाहत है, तभी तो सद्गुण है इनमें। तो सद्गुणी लोग हैं यानी इन्हें आपस में क्या है, सहयोगात्मक चेष्टा है, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना है, यह है सहयोगात्मक चेष्टा, ठीक है? तो कोऑपरेटिव वेंचर शब्दावली भी किससे जुड़ी है, जॉन रोल से जुड़ी हुई है। और एक आप मेरे को ये बताएंगे अभी कि डेजर्ट शब्दावली किस विचारक के साथ में जुड़ी हुई है, मैं पहले बता चुका हूँ, आपको इसका आंसर देना चाहिए, ठीक है? डेजर्ट शब्दावली किसके साथ में जुड़ी हुई है? तो जब सहयोगात्मक चेष्टा है, इसके आधार पर ये जंजीर का सिद्धांत देता है जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है? बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हो, जो नई चीज़ बताई जाती है वो आप तुरंत ग्रहण कर लेते हो।
जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं उनको भी डिमोलाइज होने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि डिमोलाइज इसलिए होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग इसलिए आंसर नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पहली बार पढ़ी है। अगर आपने पहले थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है तो आप इसका आंसर दे पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने को लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है, अपने को इन्हें रिवाइज करने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि जैसे अपन रिवाइज करते रहते हैं ना, अपने आप ही याद आती जाती है शब्दावली, ये किसने कहा, ये किसने कहा। तो ऐसे अपन डिस्कशन रेगुलर करते ही रहेंगे और ये फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप एक ही चैनल को पकड़ के रखेंगे। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लेकिन आप यकीन मानिए कि एक ही चैनल को पकड़ के रखने से ये होता है कि उसका जितना नॉलेज होता है एक टीचर का, वो सारा आप लोगों तक पहुँचता रहता है, कंटिन्यूसली पहुँचता रहता है। अच्छी बात ये है। अब ये जो समझौता होगा जॉन रोल्स का, भी समझौता करना पड़ेगा ना, न्याय तभी स्थापित होगा जब समझौता करना होगा। समझौता जो होने वाला है ये निष्पक्ष होगा, समझौता निष्पक्ष होगा। और एक बुक है इसकी, जस्टिस एज फेयरनेस, जॉन रोल्स की, जो मुझे कल याद नहीं आ रही थी, जस्टिस एज फेयरनेस। चार बुक्स हो गई हैं अपने पास में, किसकी, जॉन रोल्स की। ये चार किताबें आप एक जगह पर लिख लीजिए। एक तो ए थियरी ऑफ जस्टिस से आपको याद हो चुकी है, जिसमें वो न्याय का मूल सिद्धांत देता है। एक और है द लॉ ऑफ पीपल, जिसमें वैश्विक न्याय की बात करता है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, ठीक है। एक जस्टिस इज फेयरनेस, ये इसका सिद्धांत भी है। समझौता जो होगा ये निष्पक्ष होगा और वितरण जो होगा ये समान होगा, समान वितरण की बात करता है, ना किसी के पास में कम ना किसी के पास में ज़्यादा। अब ऐसा समझौता होगा, दो बातें उसने बोल दी कि जस्टिस इज फेयरनेस होगा और वितरण समान होगा, फेयर होगा जो भी समझौता होगा, ठीक है। तो अब ये किस तरीके से स्थापित होगा, ओके, ये भी मैं लिख देता हूँ। जॉन रोल्स ये कहता है कि मेरा जो न्याय है ये कैसा न्याय है, शुद्ध प्रक्रियात्मक है, शुद्ध प्रक्रियात्मक है। अभी अपन सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि तात्विक न्याय है, लेकिन जॉन रोल्स का न्याय तात्विक न्याय नहीं है, ये आप नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। इसके पूरे सिद्धांत में अपने को लगता है कि ये तात्विक न्याय है, लेकिन ऐसा नहीं है। यस, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, लॉ ऑफ पीपल 1999, और पॉलिटिकल लिबरलिज्म कब की है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1992-93 के लगभग की है, 1992-93 में लिखी थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और जस्टिस एज फेयरनेस, फेयरनेस की स्पेलिंग सही नहीं लिखी आपने, 2002, ठीक है। अभी कैसे स्थापित होगा न्याय, तो न्याय के दो सूत्र बताता है जॉन रोल्स, ये नाम आपको याद रखने हैं। पहला है समान स्वतंत्रता का नियम, दूसरा है आर्थिक व सामाजिक भेदभाव का नियम। जिन लोगों को ये लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो बाद में देख लें आराम से, रिकॉर्डेड भी मिलेगा आपको और उसकी स्पीड भी आप तेज कर सकते हैं। और जिनको लगता है कि मैं तेज बोलता हूँ वो स्पीड को धीमे कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपके पास में है ना, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। आजकल तो ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं, कल एक मेरे पास में कोई टेक्निकल बंदा है, उसका मैसेज आया मेरे पास में कि एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिससे आपकी आवाज़ जैसा आप बोल रहे हैं उससे अच्छी आवाज़ बना देगा आपकी, मतलब जो आप लोगों तक आवाज़ पहुंचेगी ना वो बड़ी कोयल की सी आवाज़ पहुंचेगी। तो अभी भी आवाज़ तो बढ़िया ही आ रही है, चीज़ समझ में आनी चाहिए, कंटेंट समझ में आना चाहिए। अपना उद्देश्य नौकरी लगना है, तड़क भड़क का उद्देश्य नहीं है अपना, ठीक है। समान स्वतंत्रता का नियम अभी समझाऊंगा आपको, ये सारा बहुत अच्छे समझाऊंगा। तो ये जो दूसरा है आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का नियम, इसको रोल्स दो भागों में बांटता है। पहला है
इस पहले को वो बोलता है, इस पहले को नाम देता है दो का कह लिख सकते हैं आप और दो का ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह है अंतर विभेद का नियम, अंतर विभेद का नियम। और इसके लिए एक शब्द यूज में आएगा मैक्सिमिनी का नियम। क्या शब्द आएगा? मैक्सिमिनी का नियम, ये लीजिए मैक्सिमिनी का नियम, ठीक है। दो का बी क्या है? ठीक है, दूसरा है अवसर की समानता। अब ये क्या है देखो, अपन एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। कोई दिल पे नहीं लेगा, सिर्फ समझने के लिए अपन इस कॉन्सेप्ट को काम में ले रहे हैं, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है? भारतीय संविधान में, संविधान बना 1947, जॉन रॉल्स पहला नियम बोलता है समान स्वतंत्रता का नियम, यानी सबको समान स्वतंत्रता है, सब समान है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। यानी ये किसकी बातें कर रहा है? जो नकारात्मक उदारवाद में अपन ने पढ़ा है, योग्यता डेजर्ट की ये बातें कर रहा है कि सब समान है, योग्यता इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी बातें की जा रही है समान स्वतंत्रता में। पहला नियम क्लियर, संविधान बना, भारतीय संविधान 1949 को बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर की तारीख को, सबको रिजर्वेशन दे दिया गया, आरक्षण दे दिया गया। क्या आ गई यहाँ पे? यहाँ पे आ जाता है अवसर की समानता जॉन रॉल्स के अनुसार, ठीक है। अपन अभी ये समझ रहे हैं कि जॉन रॉल्स भारत का संविधान बना रहा है, सबको पहले चरण में सब समान है, अब जो पिछड़ गया उनको दे दिया अवसर की समानता, रिजर्वेशन दे दिया उन पिछड़े हुए को। पहली बार में तो सब समान है, सब समान पहले चरण में, तो किसी को कोई विशेष स्वतंत्रता नहीं दी गई है, विशेष योग्यता नहीं रखी गई है, ठीक है। जैसे सब समान है और एक वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की जिसमें 57 पोस्ट हैं, तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई एससी एसटी नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई और कोई भी किसी भी प्रकार की कैटेगरी नहीं है, जिसमें योग्यता होगी वो एग्ज़ाम फाइट कर लेगा और कॉलेज लेक्चरार बन जाएगा। इतनी बात बता दें। दूसरा वो बोलता है कि अब इनमें से जो पिछड़ गया है, इनमें से जो पिछड़ गया है उसको आगे लाया जाएगा, यानी कौन सी व्यवस्था की जाएगी? अवसर की समानता। जो पिछड़ गया उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। तीसरा वो बोलता है कि बस अब रिजर्वेशन दे दिया, जैसे भारतीय संविधान में प्रावधान था कि 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए गए कि हर 10 वर्ष पे एक अमेंडमेंट हो जाता है। वो 2020 आते आते ये अमेंडमेंट्स की जो संख्या है वो आप पाएंगे कि 8 हो गई, शायद 8 अमेंडमेंट हो चुके हैं जिससे रिजर्वेशन को हर बार 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है। 7 या 8 हो चुके हैं, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद आ रहा है। तो इतने संविधान संशोधन हो गए, किस कारण से हुई? अवसर की समानता के लिए। अब जॉन रॉल्स कहता है कि अब आप पाएंगे कि जिस व्यक्ति को रिजर्वेशन दिया गया था वहां पर जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में लग गया रिजर्वेशन के फायदे से, अवसर की समानता के कारण से, उस घर में सारी जनरेशन मतलब उसके बेटे पोते सब सरकारी नौकरी में, और एक व्यक्ति जो आज़ादी के समय भी, जब संविधान बना संविधान निर्माण के समय भी दिहाड़ी मजदूरी करता था, तो उसकी दोनों तीनों जो जनरेशन है जो आई आगे वो आज भी दिहाड़ी मजदूरी करती है। तो इनमें से जो पिछड़ा हुआ है उसको आगे लाया जाए, यानी वो तीसरी बात बोलता है अंतर विभेद का नियम। लेकिन ये लागू कब किया जाएगा? जब जो अंतिम लक्षित व्यक्ति है उसको लाभ पहुंचे तो लागू किया जाएगा, नहीं नहीं किया जाएगा। अंतर विभेद का नियम है, जिसमें विभेद था उसमें भी अंतर आ गया है, यानी जिसमें पहले विभेद था इसलिए उसको
अवसर की समानता दी गई, लेकिन अब उसमें भी विभेद हो गया, तो उसे और ज्यादा जो पिछड़ा हुआ है अंतर विभेद के कारण उसे आगे लाया जाए। आई होप कि ये बात क्लियर है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने समझाया। ऐसी बातें आप किताब जब पढ़ोगे तो समझ में आएगी। ये जो सब समान हैं, ये इसका पहला नियम है। ये दोनों जो अपन ने पढ़े हैं, पेन ही चेंज कर ले, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो दो नियम पढ़े हैं, अवसर की समानता और अंतर विभेद का नियम, ये दो का ए लिखा मैंने, ये दो का बी था और ये दो का ए है। अब ए पहले आना चाहिए, लेकिन जॉन रोल्स कहता है नहीं, पहले दो का बी आएगा फिर दो का ए आएगा। ए को लागू करने के पहले बी को लागू किया जाएगा, ठीक है। ऐसी बातें हमारे जॉन रोल्स साफ करते हैं बहुत ही आसान शब्दों में, और जॉन रोल्स की बातें कंप्लीट, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, मैं लेट आया इसलिए, क्या है वो देख देख करके चले गए इंतज़ार करके। तो आप लोग चाहें तो दो मिनट अपन ब्रेक ले लें, आप शेयर कर दो इसको, वैसे कर दिया होगा आप लोगों ने, जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाएगा, चलो छोड़ो जिसको देखना है वो बाद में भी देख लेगा। चलो अपन तो आगे चलते हैं। तो लोक कांड का समर्थक है और विरोध किसका कहता है, बेंथम का। अब जॉन रोल्स के आलोचक कौन है, जॉन रोल्स के आलोचक, ठीक है, जॉन रोल्स के आलोचक, नोजिक साहब इनके आलोचक हैं, हैयक इसका आलोचक है, इसका आलोचक है बोल्जर, इसकी आलोचना करते हैं जॉन रोल्स की सुसान मोलर ओकिन, इसका आलोचक है अपने भारतीय विचारक अमर्त्य सेन, ये सब आलोचक हैं जॉन रोल्स के। लॉजिक के बारे में और भी मेरे पास में नोट्स में लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता, कुछ काम की बात आई जाती। चलो वो मैंने शायद नोट्स में बताई होगी, नहीं वो प्रिंट वो लिखा हुआ है नोट्स का, तो मैं उसकी कॉपी वो स्कैन करके और फिर बाद में आपको समझा दूंगा, यहीं पर समझा दूंगा, ठीक है। या तो आज रात की क्लास में समझा देंगे जो 8-9 बजे अपन लेते हैं, उसमें भी अपन वही डाल देंगे, नोजिक ओजी के बारे में बता देंगे जो भी कंटेंट है। अभी आप छोटी छोटी बातें समझिए। नोजिक की बुक जिसमें वो आलोचना करता है जॉन रोल्स की, देखो जॉन रोल्स की बुक ए थियरी ऑफ जस्टिस आती है 1971 में, नोजिक की बुक आती है 1974 में, जिसका नाम आप भलीभांति जानते हैं, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इस बुक में ये आलोचना करता है, हकदारी का सिद्धांत देता है। हेयक की बुक है लो लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, लो लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, और ये बुक शायद 19 इसका पता नहीं अजय, ये बुक कब आती है लो लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, एक 1976 में इसकी बुक आती है मिराज, मृग मरीचिका, मिराज का मतलब मृग मरीचिका, मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस ये आती है 1976 में, अनार की तो लिख दी मैंने 1974 है, लो लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी ये कब की है। वोल्जर की बुक है ए स्फीयर ऑफ जस्टिस, वोल्जर ए स्फीयर ऑफ जस्टिस, सुसान मोलर, ये जो बुक है ये आती है 1983 में,
सुसान मोलर ओकिन, इसकी बुक है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, ये जो बुक है ये आती है 1991। अमर्त्य सेन साहब, इनकी बुक है आइडिया ऑफ जस्टिस, जिसमें आलोचना करते हैं जॉन रॉल्स की। अपन पोज भी कर सकते हैं कुछ देर के लिए, क्या पता है शायद रिकॉर्डिंग में नहीं आए फिर। ठीक है, न्याय के बारे में कुछ बातें पढ़ी अपन ने, समझा। ठीक है, न्याय जैसे जस्टिस शब्द से बना जोड़ना इसका अर्थ होता है, भारतीय दर्शन में इसका पर्यायवाची है वो धर्म कहलाता है। प्रक्रियात्मक न्याय, तात्विक न्याय के बारे में अपन ने समझा। ठीक है, हेयक की बुक कौन कौन सी है? एफ ए हेयक, हेयक की बुक्स बताइए आप कौन कौन सी हैं। मेरे नोट्स में हेयक की चार किताबों के नाम हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्रम भी याद रखिएगा। रोड टू सर्फडम 1944, उसके बाद है द कंस्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960, फिर है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973, और द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, मिराज ऑफ सोशल जस्टिस
अच्छा ये कोटेशन किसकी है कि अगर व्यक्ति बैल की तरह तैर नहीं सकता है, बाज की तरह उड़ नहीं सकता है, तो उसमें राज्य की कोई गलती नहीं है। ये 1976 की बुक है। चार बुक्स का नाम यहाँ पे है, नोजी की अनार्क स्टेट यूटोपिया 1974। अमर्त्य सेन की बुक्स भी आपको लिखा देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर में अमर्त्य सेन डायरेक्टली अपने सिलेबस में दिया हुआ है। तो अमर्त्य सेन की वैसे बहुत सारी बुक, अपन कितनी की लिखेंगे चलिए अमर्त्य सेन को तो रहने दो, बहुत सारी बुक्स हैं उसकी। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत एक और जॉन रॉल्स से जुड़ी ही शब्दावली है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या मतलब है इसका? भाई आज तक आप लोगों ने समाज के एक तबके का जो हक था उसकी जगह पर आपने ज़्यादा स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सत्ता, प्रतिष्ठा, गरिमा इनका उपभोग किया है, तो अब क्षतिपूर्ति करनी है उनकी। यह है क्षतिपूर्ति का न्याय, यानी हीनतम स्थिति वाला जो लोग है, जो समाज में रह रहा है, उसके कल्याण के लिए सकारात्मक कार्यवाही की जाए। ठीक है, स्लाइड में देख करके पढ़ाते हैं तब कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब कोई नोट्स में देख करके अपनी मेहनत बनाई उस चीज़ को पढ़ाता है कि कोई चीज़ रह नहीं जाए, तब दिक्कत हो जाता है। ठीक है, ये बर्लिन की कोटेशन है, भगत राम जी बता रहे हैं कि जो ये कोटेशन मैंने बोली है कि बहल की तरह तैर नहीं सकता है और उड़ नहीं सकता है बाज की तरह, तो इसमें राज्य की कोई गलती नहीं है। माइकल बोल्जर का न्याय देखते हैं अपन। माइकल बोल्जर का न्याय, बोल्जर एक समुदायवादी विचारक है, कम्युनिटेरियन है। समुदायवादी विचारक है माइकल बोल्जर। ठीक है, और माइकल बोल्जर का मानना है कि न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता है, न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता। जिस जॉन रॉल्स कहता है कि हर जगह पर यह लागू हो सकता है, तो माइकल बोल्जर का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको आप हर जगह पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी बुक में कहता है? स्फेयर ऑफ जस्टिस जो बुक है उसमें ये बात कहता है माइकल बोल्जर। इनका कहना है कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए। जॉन माइकल बोल्जर कहता है कि सामाजिक न्याय का अलग नियम होना चाहिए, आर्थिक न्याय का अलग नियम होना चाहिए, राजनीतिक न्याय का अलग नियम होना चाहिए। जबकि रोल्स ने क्या किया है, सारे न्याय को एक ही न्याय में बना दिया। राजनीतिक न्याय में क्या बोल मतदान लागू कर देंगे? क्या पढ़ा लिखा आदमी कहेगा कि साहब मेरे दो वोट माने जाने चाहिए? तो आप एक ही जगह पर सारी चीज़ों को लागू नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात कहता है माइकल बोल्जर। दो प्रकार की समानता की बात करता है माइकल बोल्जर। कहता है समानता के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक तो है सरल समानता और दूसरा है जटिल समानता।
देखो ये क्या है, अभी समझ में आ जाएगा एक सेकंड में ही। सरल समानता जो जॉन रोल्स अवसर की समानता में बोलता है उसको आप सरल समानता मान सकते हैं कि सब समान है, या सरल समानता को आप ऐसे मान सकते हैं कि जो स्वतंत्रता देने की बात करता है जॉन रोल्स की, सभी समान है, सबको समान स्वतंत्रता दे देनी चाहिए, ये सरल समानता है। तो माइकल बोल्जर का कहना है कि आदिम युग की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है ये? आदिम युग की व्यवस्था है, ये आज की युग की विशेषता नहीं है। आधुनिक युग की विशेषता कौन सी है? जटिल समानता। जटिल का मतलब क्या है? कि आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाना, जैसे एससी को आरक्षण दे दिया, अब इसमें भी क्या है, महिला को अलग से आरक्षण, आरक्षण में भी आप आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, एसटी को आरक्षण, ईडब्ल्यूएस सबको आरक्षण, ये भी जटिल समानता है। ठीक है, तो ये जटिल समानता है, और ये समर्थन किसका करता है? इस जटिल समानता को मानता है। क्यों मानता है? लेकिन इसका कहना एक बात, इसका जो न्याय सिद्धांत है ना, वो एक टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी है, सीधा सीधा भी पूछ लेता है, इसका न्याय सिद्धांत बहुलवाद पर आधारित है। माइकल बोल्जर का न्याय सिद्धांत बहुलवाद पर आधारित है। गुड आफ्टरनून कविता, लेट हो आप। तो माइकल बोल्जर का न्याय, यस एसटी में टीएसपी का आरक्षण, लेकिन टीएसपी को थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये भी जटिल न्याय में आता है, बिल्कुल सही है, एसटी में टीएसपी को आरक्षण। माइकल बोल्जर का न्याय बहुलवाद पर आधारित है। इसका मानना है कि जो जटिल समानता है ना, ये स्थापित करनी चाहिए, लेकिन जटिल समानता पूंजीवाद में स्थापित करना असंभव है। पूंजीवाद में स्थापित करना असंभव, पूंजीवाद में स्थापित करना असंभव है। सिंपल भाषा में अपन बात करें तो रोल्स का जो न्याय सिद्धांत है, ये अधिकारों की बात करता है, अधिकार की बात करता है, जबकि बोल्जर का जो न्याय सिद्धांत है, ये किसकी बात करता है? कर्तव्य की बात करता है। एक शब्द अपने को और ध्यान में रखना है, कर्तव्य और दायित्व में भी अंतर होता है। कई बार एग्जामिनर अपने को कन्फ्यूज करने के लिए शब्द भी डाल देता है। दायित्व के लिए लाइबिलिटी वर्ड आता है, और कर्तव्य के लिए वर्ड आता है ड्यूटी। ड्यूटी और लाइबिलिटी में फर्क होता है। दायित्व कानूनी रूप से बाध्य होता है, आपका दायित्व है कि आपका जो हाउस टैक्स है वो आप जमा करवाएंगे, आपका दायित्व है इनकम टैक्स जमा कराना, वो कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। और कर्तव्य होते हैं वो कानूनन बाध्य नहीं होते हैं, वो नैतिक रूप से ही लागू होते हैं। ठीक है, हेयक की बात भी कर लेते हैं। हेयक साहब, ये शब्द याद रहेगा आपको, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड आता है मिराज। सामाजिक न्याय को ये मिराज बोलता है, मृग तृष्णा बोलता है, मतलब वो वास्तव में कभी मिलता ही नहीं है सामाजिक न्याय। जैसे हिरण के पेट में कस्तूरी होती है और कस्तूरी की सुगंध आती रहती है, हिरण को खुद को सुगंध आती है कस्तूरी की, और वो चारों तरफ भागता रहता है, लेकिन वो कस्तूरी उसको कहीं भी नहीं मिलती है। तो ये मृग तृष्णा है सामाजिक न्याय। ठीक है, वोटों की राजनीति है सामाजिक न्याय, लोगों को आदत हो जाती है और फिर राजनेता इसका लाभ उठाते हैं। तो सामाजिक न्याय क्या है? मृग तृष्णा है, द लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस में ऐसी बात करता है हेयक। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, अपन पढ़ते आ रहे हैं इतने दिन से कि हेयक प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थक है, प्रक्रियात्मक न्याय की बात करता है। या श्योर, तुम्हारे लिए तो मैं खुद ही बोलता हूं कि तुम तो जो
टेस्ट सीरीज जो मैं सॉल्व करवाता हूँ या एमसीक्यू उस क्लास में आ जाया करो, चाहे ये सारी चीज़ें आती हैं तुम्हें, तो कोई ज़रूरी नहीं है क्लास लेना। और शायद इन टॉपिक्स में तुम्हें रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ लगता है कि ये वाली चीज़ मेरे लिए देखना जरूरी है वही देखनी चाहिए, तुम्हें टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए, मेरा तो खुद का मानना यही है। प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थक है, इसके कोटेशन है कि सामाजिक न्याय का विचार निरर्थक है, ये एक मृग मरीचिका है। ठीक है, बस ये याद रखना, आप इतनी सी बात एनफ है अपने लिए। एक और है, फ्री एक्सचेंज इज फेयर एक्सचेंज, फ्री एक्सचेंज इज फेयर एक्सचेंज, फ्री एक्सचेंज इज फेयर एक्सचेंज। क्या मतलब है इसका? जो स्वतंत्र विनिमय है वही स्वच्छ विनिमय है। ठीक है, जो स्वतंत्र विनिमय है वही स्वच्छ विनिमय है, यानी स्वतंत्रता को ज़्यादा वरीयता देने की बात ये लोग करते हैं। जो स्वतंत्र विनिमय है वही स्वच्छ विनिमय है, फेयर विनिमय है। लॉजिक के बारे में भी अपन चर्चा कर ही लें, इसको भी क्यों छोड़ें बेचारे। नोजिक स्वेच्छा तंत्रवादी, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, ये तो कहीं भी नहीं रुकेगा। ये कहता है न्याय दो तरह का होता है, न्याय दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? एक है साध्यमूलक और दूसरा है ऐतिहासिक। दो प्रकार का न्याय होता है, साध्यमूलक होता है और ऐतिहासिक होता है। ये जो साध्यमूलक है ये बेंथम के उपयोगितावाद से मिलता जुलता है कि साध्य क्या है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण, तो इसकी आलोचना नोजिक भी करता है। तो ये जो साध्यमूलक है, जो बेंथम जिससे जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा ये भी प्रश्न आ जाए तो याद रखना, आप यहीं पे लिख लेना, ये चीज़ें मेरे को बतानी पड़ेगी। साध्यमूलक न्याय कौन जुड़ा हुआ है? बेंथम जुड़ा हुआ है। साध्यमूलक न्याय कौन जुड़े हैं? उपयोगितावादी जुड़े हैं। तो इस बेंथम की जो आलोचना है ना, ये रोल्स को तो अपन ने देखा ही देखा है कि रोल्स आलोचक है और बेंथम इसका समर्थक है ही। रोल्स भी आलोचक है और नोजिक भी इस न्याय का आलोचक है। तो नोजिक और रोल्स दोनों ही आलोचक हैं साध्यमूलक न्याय, ऐतिहासिक